is damn fun to ride a Honda Africa Twin. Woohoo! फोकस आ रहा है बॉस, ये देखो पेट में दर्द नहीं होगा ना छोटू। इंट्रोड्यूस कराते हमारे सूर्या भाई से। दिन खाएंगे क्योंकि क्या पता कब हैदराबाद वापस आएंगे। सो नाइस। ये पूरा स्ट्रीट जो आप देख रहे हो, दिस इज मोस्टली फेमस फॉर शॉपिंग, मोस्टली बैंगल्स। बहुत साल हो गए यार आए हुए। वो आप लोग को दिख रहा होगा वहां पे, वो है आपका चार मीनार। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हैदराबाद पहुंच चुका था, एंड हैदराबाद में पिछले दो दिनों से मैं खाली रूम में बैठ के एडिटिंग कर रहा था, लेकिन हमारे प्यारे भैया सूर्य भाई जो है, सूर्य भाई आए आज हमसे मिलने के लिए। एंड अभी हम थोड़ा बहुत हैदराबाद की गलियों में थोड़ा मचा रहे एंड थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड्स ट्राई कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे, एंड कौन देख के बोलेगा कि अभी रात के 12 बज रहे यार। हालत देखो, वो रहा, वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वो रहा चार मीनार। ये कौन सा वाला है सूर्य भैया? जाफरानी चाय। वैसे ये हैदराबाद में बहुत ज्यादा फेमस है, जाफरानी चाय। रात के 1 बज रहे, एंड कौन देख के बोलेगा कि अभी रात के 1 बज रहे यार। टोली चौकी है जगह का नाम है। फिलहाल चार मीनार के वहां से हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि वहां पे पकड़ लो के 40 मिनट तक हम लोग जैम में फंसे हुए थे। जो भयंकर सीन था यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, ना व्लॉग कर पाया ना कुछ कर पाया, गाड़ी के अंदर बस बैठे हुए। सोचा नहीं था कि हैदराबाद में इतना ज्यादा भीड़ रहेगा, रात के 1 बज रहे, एंड ये कुछ सीन। और हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे जाफरानी चाय पी रहे, 8 घंटा हलीम बनाने में। एक ही हमारा मटन हलीम। ये रहा अपना हलीम, चार ले लो तुम। आज के रात का कितना नंबर आइटम है ये? चौथा। तो अभी आपने देख लिया ये रात का सीन, रात का स्ट्रीट फूड एंड रात का हैदराबाद का टूर। तो अभी मिलते हैं वापस से पुराने वाले सीन में। तो वापस से स्वागत करते हैं जी आज के दिन में। लेकिन मैं एक और चीज बताना भूल गया यार आप लोग को। 6 तारीख को तो आप लोगों ने देख लिया, फिर कल जो है 7 तारीख को, मैं 7 तारीख को भी घूम रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रॉपरली व्लॉग नहीं किया, लेकिन थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए। तो कल मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रॉकी के साथ ही गुजरा। मैंने सबसे पहले रॉकी का सर्विसिंग कराया। ऑलराइट, सो इट्स फाइनली टाइम टू सर्विस रॉकी। 6000 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी तक मैंने सर्विसिंग नहीं किया था, तो अभी 6000 किलोमीटर के बाद अपन सर्विसिंग कर रहे हैं। यूजुअली 4-5000 किलोमीटर के बीच में कर देना चाहिए, लेकिन अपने को कहीं पे प्रॉपर जगह मिला नहीं था, तो जिसके वजह से यहाँ पे हैदराबाद में आके चेंज कर रहे हैं। पूरा गया हुआ है ना भाई कि अभी सबसे पहले तो अपना इंजन ऑयल चेंज होने वाला है, ये सब आता है, इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज होएगा, एंड देन जो एयर फिल्टर है एयर फिल्टर भी निकाल के क्लीन करेंगे क्योंकि अभी BMC का एयर फिल्टर डाला हुआ है। रन ब्रेक पैच भी चेंज होएगा, पीछे का ब्रेक पैच भी होपफुली चेंज होएगा। पकड़ लो कि ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर तक मैं अभी तक इसका क्लीनिंग नहीं किया, तो अब जाके 10,000 किलोमीटर बाद इसका क्लीनिंग चल रहा है। फिर उसके बाद हैदराबाद में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे हम। रात के 2 बजे के आसपास मैं पहुंचा चार मीनार रॉकी के साथ। रात के बज रहे 2:30, एंड जैसा कि आप देख सकते हो रॉकी को लेके अपने हैदराबाद के मेन डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं चार मीनार के सामने। मेरा ये बहुत पहले से प्लान था कि मैं हैदराबाद जब आऊंगा तब रॉकी को लेके एटलीस्ट चार मीनार के सामने एक फोटो को खींचेंगे। तो फाइनली अपने एक और बकेट लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, हैदराबाद आके चार मीनार के सामने रॉकी को पार्क करना था अपने को, ये भी हो चुका है। ये सब कुछ समेटने के बाद
आज सुबह 5 बजे मैं पहुंचता हूँ अपने होटल रूम। ये है अपना प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा होटल एंड यहाँ पे पिछले 4 नाइट्स से मैं स्टे कर रहा हूँ। 2 दिन का कहानी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन और 2 दिन मैं यहाँ पे खाली बैठ के अपना एडिटिंग कर रहा था। लेकिन जो भी बोलो यार, अपने को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे हैदराबाद में। बट देन अनफॉर्चुनेटली ये अपना लास्ट व्लॉग होने वाला है हैदराबाद में। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हैदराबाद बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स है, बहुत सारे फोर्ट्स है, चार मीनार है, यहाँ का खाना बहुत सही है। एंड तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, जहाँ पे अभी हम है फिलहाल। हैदराबाद में द मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इज तेलुगु एंड उर्दू। जितना भी सब कुछ था ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने लायक, एक्सपीरियंस करने का, खाना खाने का, वो सब हमने ऑलमोस्ट कर लिया। निकलने वालों थोड़ा बहुत वापस हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा बहुत मोटर व्लॉग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि इधर उधर कोने वोने में क्या क्या है हैदराबाद के सड़कों पे। अभी वापस से हम मचाएंगे। एंड इन 4 दिनों में एक भी दिन के लिए एसी मैंने बंद नहीं किया यार, बहुत ही गंदा रूम मिला अपने को। चलो भाई, वैसे होटल का जो नाम है, होटल का नाम है होटल प्रिया रेसिडेंसी। मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ का लोकेशन भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि रूम्स अच्छे नहीं है यार। ऑल राइट, पिछले 4 रातों से रॉकी अपना यहाँ पे पार्क किया हुआ था। लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर टच वच किया, वो पता चल गया अपने को, लेकिन थैंकफुली एवरीथिंग इज सो फार सेफ। ओके, तो अपना जो आज का डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 40 मिनट दूर है। 17 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में 40 मिनट्स लगेगा। ओके, तो अभी जिस जगह पे अभी हैं हम, जगह का नाम है MG रोड। यहाँ से चार मीनार बस 40 मिनट लगते हैं। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज द 7th स्टेट ऑफ माई राइड। ये अपना 13th एपिसोड है ऑफ माई बिंगो राइड। एंड वैसे ऑलरेडी हो तो चुका है 1.5 महीने से ऊपर के मैं घर के बाहर हूँ। 22nd फेब को मैं निकला था एंड आज है आपका 8th ऑफ अप्रैल। तो बहुत टाइम हो चुका है कि मैं घर के बाहर हूँ, लेकिन क्या है कि लेकिन अभी तक खाली 7 स्टेट्स ही हो पाए। तो ये जो राइड है अपना बहुत ही ज्यादा लंबा रहने वाला है। आई जस्ट हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जितना हो सकता है अपने को खाली एंजॉय करना है, क्योंकि अपन राइड करते हैं एंजॉय करने के लिए। अभी फिलहाल यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 से ऊपर ही हो रहा होगा। लगा नहीं था यार हैदराबाद में इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा। वैसे मैं पहले हैदराबाद आया हुआ था, लेकिन कभी खुद बाइक नहीं चलाया ना, इसकी वजह से उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। यहाँ पे भयंकर ट्रैफिक होता है यार, लाइक अलग ही लेवल का ट्रैफिक जैम लगता है। एंड ऑब्वियस सब बात है यार, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। सेनोरिटा, क्या देख रहे हो ना, सब ठीक? रात के 2 बजे बोलो, रात के 3 बजे बोलो, सुबह के 6 बजे बोलो, 7 बजे बोलो, आपको हमेशा अभी यहाँ पे जैम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है। जहाँ तक मैंने सुना है कि तेलंगाना में पुलिस बहुत अच्छे है, उतना ज्यादा वो लोग बाइकर्स को ट्रबल करते नहीं है। भूख भी बहुत ज्यादा लगा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एंड सुबह को जब मैं उठा था, उठने के साथ ही साथ होटल वाले भाई साहब ने मेरे को लेके गए फोटोशूट करवाने के लिए। मेरे को पिछले 2 दिन से बोल रहे थे फोटोशूट कर दो, मेरा इतना अच्छा कैमरा है, ये कर दो वो कर दो। फिर मैंने सोचा कि चलो यार खुशियां बांटते, तो लेके गए हम उसको फोटोशूट कराने के लिए। सुबह सुबह इस बंदे ने मेरे को परेशान कर दिया है। अच्छा क्या बोल रहा है भाई, परेशान कर दिया फोटो खींच के देने के लिए। पिछले 3-4 दिन से मेरे को बोल रहा था एंड अब जाके फाइनली फिर कल हम निकलने वाले, तो जिसके वजह से बोला कि चलो भाई जाते नीचे तुम्हारा अच्छे से फोटो शूट कर देते। गिफ्ट क्या दोगे मेरे? गिफ्ट देते भाई। क्या देता गिफ्ट में? दारू देते। दारू? हम दारू नहीं पीता। के बाद एक खाली शर्ट ही चेंज कर रहे हैं यार, क्या हो क्या रहे। अभी फिलहाल रेलवे स्टेशन में आए भाई साहब का फोटो निकालने के लिए। जिंदगी में अपना यही काम तो रह गया है भाई, जिसको जिसको फोटोज निकालने आप मेरे को DM कर सकते हो, स्पेशली अवेलेबल फॉर। लो जी, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वी गियर्स में। ठीक है, ओह हो, एग्जैक्टली टाइगर के सामने रखते हैं। हाँ,
गुस्सा का है होता है, घर पे बीवी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? फिलहाल रॉकी को यहाँ पे कर दिया पार्क, एंड राइट नाउ वी आर इन दिस प्लेस कॉल्ड कुकटपल्ली। सो कुकटपल्ली इज द नेम ऑफ द प्लेस, एंड आया यहाँ पे हियर इन फ्रंट ऑफ वी गेस। यहाँ पे हमारे पवन भाई क्या हुआ इतना शर्मा क्यों रहे? एंड यहाँ पे हमारे बालकृष्ण भाई। हाय एवरीवन। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे बैठते बैठते इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि अपने को पता भी नहीं चला कि कब, देखते देखते कैसे टाइम चला गया। एंड राइट नाउ इट इज़ 7:12 इन द इवनिंग। सबसे पहले तो हम दिखा देते कि आई वॉज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ वी गेज हैदराबाद। यहाँ पे अपना रॉकी पार्क किया हुआ था, एंड राइट नाउ आई प्रेजेंट यू ऑल द ओनली होंडा अफ्रीका ट्विन। शिट यार, आई वॉज लिटरली डाइंग टू टेस्ट ड्राइव दिस ब्यूटिफुल बेबी। ओहो, जैसा कि मेरे पुराने व्लॉग्स में आप लोगों ने देख लिया था, मैंने टाइगर ऑलरेडी चला लिया है, मैंने BMW 1250 GS भी चला लिया है, एंड जो रह गया था वो था खाली होंडा अफ्रीका ट्विन। ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल, ये मैनुअल नहीं है, ये DCT है, बोले तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है क्या? हाँ, इट्स देयर। ओके, नहीं, सबसे पहले एक बार चाबी दिखा देते हैं। दिस इज़ द की टू हैप्पीनेस। न्यूट्रल से गियर में कैसे डालते हैं? ये है सर, ये न्यूट्रल है। ओके ओके, स्पोर्ट्स से भी कन्वर्ट। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। सो लॉन्ग प्रेस करे तो आपको ऑटोमेटिक को ट्रांसफर होता, लॉन्ग प्रेस करे तो मैनुअल को ट्रांसफर। ये माइनस, ये प्लस गियर सिस्टम। ओके, लेकिन अभी फिलहाल ऑटोमेटिक में रखते हैं। ऑटोमेटिक में। ओके, यहां पे आपको दिखता हूं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, अमेजिंग। ये यहां पे तो क्लच का सिस्टम ही नहीं है यार, इसको पकड़ने का ही नहीं है। ये हैंड ब्रेक। ओके, ये हैंड ब्रेक है ना? ओके, दिस इज द ड्राइव वन ना? वाओ, एक जैसे गियर शिफ्ट करते वक्त एक आवाज आता है, वैसे ही सेम आवाज आता है वंस यू प्रेस दिस स्विच। हाँ हाँ, गॉट इट। वाओ, वो दिस इज प्रिटी बिग। हाँ, लेट्स टेक यू यहाँ से जाते। इसके कंट्रोल्स अपने को अच्छे से देखना होगा, एंड बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक होंडा बिग विंग। यहाँ का कौन सा वाला ब्रांच है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वी गेज में हमारे एक अन्ना थे, उन्होंने डायरेक्ट मंगवा के दिया शोरूम से यहाँ पे राइट इन फ्रंट ऑफ वी गेज। थैंक यू सो मच अन्ना, थैंक यू, बाय 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 बाय। तो अपने को जाना नहीं पड़ा, एंड ये मशीन अपने पास खुद चल के आया है। आई मीन ऑब्वियसली किसी ने चलाया। वो ये पूरा स्कूटी की तरह है यार। शिट, लेट्स टेक अ यू टर्न। अब इसमें क्या है कि घुमाते वक्त अपने को थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मशीन के साथ बहुत सारे लोगों ने क्रैश किया है, क्योंकि ऑब्वियसली DCT है, एंड ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं रहता है DCT मोटरसाइकिल्स का। द ब्रेक्स आर ऑल्सो प्रीटी गुड। इसमें ऑटोमेटिकली गियर चेंज होता रहता है, एंड टॉकिंग अबाउट द राइडिंग कम्फर्ट, इट्स क्वाइट गुड। अपराइट पोजिशन आपको हल्का सा मिल जाएगा। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं वापस से। ओके, टर्निंग रेडियस इज अमेजिंग। मैंने अभी टाइगर 900 चलाया था लेकिन शूट नहीं किया था, तो अभी वापस से मैं टाइगर 900 भी चलाऊंगा, लेकिन उसका टर्निंग रेडियस उतना ज़्यादा नहीं है इसका जितना ज़्यादा है टर्निंग रेडियस। एंड टर्निंग रेडियस जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप आराम से बाइक को मूव कर सकते हो। वो क्रेजी, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। क्या कर रहा है भाई? ऑटोमेटिक होने की वजह से ना
थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि आप इसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको शहर में चलाना है, हाईवे में चलाना है, डीसीडी सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या है कि आई वॉन्ट माई सेल्फ टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल। मैं ये नहीं चाहता कि मोटरसाइकिल अपने आप दिमाग लगा के सब कुछ करे। टॉकिंग अबाउट द इंजन, ये 1100 सीसी का एक मोटरसाइकिल है। इसमें वैसे व्हीली कंट्रोल वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ है। कॉर्नरिंग एबीएस से लेके कॉर्नरिंग लाइट्स तक लेके हर एक फीचर्स आपको इसमें मिलेगा। क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, तो फीचर्स तो इस पर भर भर के अमेजिंग। बट देन मैनुअल होना चाहिए था, दिस इज व्हाट आई एम मिसिंग। और राउंड को हाथ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी आया है बॉस, इट इज डैम फन टू राइड अ होंडा अफ्रीका ट्विन। एक खाली स्ट्रेच मिलता ना अपने को, इसको रुकवाना भी विदाउट इंजन ब्रेकिंग इज क्वाइट द टास्क। मेरा रॉकी लोडेड में इससे ज़्यादा चाप होता है अपने को। यह वी गियर्स का दूसरा शॉप, इफ यू गाइस आर एनी टाइम हियर इन हैदराबाद, दिस इज द स्पॉट फॉर यू ऑल, फॉर ऑल द बाइकर्स। जैसे जैसे आप मोड्स चेंज करते रहोगे ना, वैसे वैसे एग्जॉस्ट का साउंड भी थोड़ा सा चेंज होएगा। वॉट अ ब्यूटी। मैंने GS भी चलाया, टाइगर भी चलाया, अफ्रीका ट्विन भी चलाया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सबसे ज़्यादा बोल्ड और क्लासी लगता है होंडा अफ्रीका ट्विन इन टर्म्स ऑफ लुक। इन टर्म्स ऑफ पावर अगर देखेंगे देन डेफिनेटली GS 1250 इज मच मोर पावरफुल। बट देन मेरे को ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा यार, आप इसके साथ खेल सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनुअल वन, नॉट द DCT वन। जैसे तैसे खेल सकते हो, एंड मेरे लिए आई फील दिस इज द परफेक्ट मोटरसाइकिल। तो अभी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि What should I go for? Usually हमेशा black motorcycles, black cars वो सब पसंद करता हूँ, लेकिन after seeing this particular color, ये literally चमक रहा है यार दूर से। मैं सही में यार fan हो गया Africa Twin का। So where are we going right now? We are going to Driven Cafe. Driven Cafe? Yeah. How far is it? It's around 7 kilometers. ये है CB300, probably the most loaded CB300 इन इंडिया। मैंने आज तक CB300 में इतना सारा मॉडिफिकेशन तो देखा नहीं है यार। एक्सेसरीज कितना खर्चा किया होगा एक्सेसरीज में? ऑलमोस्ट 1 लाख। 1 लाख का पकड़ लो, इस पे खाली सामान लगा हुआ है। एंड यहाँ पे है टाइगर 900। कौन भाई? मैं चला सकता हूँ क्या? ठीक है, ओके ओके, सॉर्टेड। ये थोड़ा सा ऊंचा है, अफ्रीका ट्विन का जो सीट हाइट है दैट इज लाइक वेरी पीस। Tiger 900 for the very first time. Go slow. I'll be behind you. Hyderabad ke sargon mein ye apna last night hai. Tiger 900 ke saath. And as I have said earlier, ke Tiger ka jo exhaust note hai, wo bahut hi zyada soothing hai. Kaano mein chubhta nahi hai bilkul bhi. Ek din aisa khud ka bhi super bike rahega. Fingers crossed. Someday. Iska horn dekho yaar. Jaise aap horn bajaoge. वैसे अपना रॉकी को भी सही लगता है यार पीछे से देखने में। लगा चला के अंडर पावर ना? नो, ठीक लगा क्या? नाइस एंड इट इज स्मूथ, वेरी स्मूथ ना? इट इज रियली डिफरेंट फ्रॉम क्रेजी। तो यहाँ पे पेट पूजा हो चुका अपना कंप्लीट, एंड आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दो स्टार्ट हुआ बहुत लेट क्योंकि मैं घर पहुंचा था 5 बजे। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट डे। ऑल थैंक्स टू माय अन्नाज ओवर हियर फ्रॉम हैदराबाद,
थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन. कल जाना है अपने को तमिलनाडु. सो तमिलनाडु इज माई डेस्टिनेशन एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस सीरीज. बहुत ही भयंकर भयंकर क्रेजी वाले एपिसोड आने वाले. सो दैट्स इट गाइज, दिस वॉज इट फॉर एपिसोड नंबर 13. आज बहुत ही ज्यादा मजा आया. बहुत सारे सुपर बाइक्स चलाए हमने. टाइगर 900, देन अफ्रीका ट्विन. कीप दिस ब्लॉग टिल हियर. आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस ब्लॉग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट. टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड सायोनारा. इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है. फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर लेना. तो अभी के लिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं. सी यू ऑल इन एपिसोड नंबर 14. बाय गाइस.